अरे छोड़ा हूँ कल के बतिया, कल के बतिया पुरानी। अरे श्याम, तुम्हारी फसल तो बहुत ही अच्छी लग रही है, वहाँ मेरी फसल ना जाने पीली पड़कर सूख रही है। ऐसे कैसे लखन भैया, जरा मुझे दिखाओ। लखन भैया, देख के मालूम होता है कि आपके गन्ने में लाल सड़न रोग लग गया है। हाँ, ये तुमने कैसे पहचाना? लाल सड़न रोग पहचानने के लिए सबसे पहले तीसरी चौथी पत्तियां देखें, लाल धब्बे जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये लाल सड़न रोग के प्रथम लक्षण है, परंतु इन लाल धब्बों की और भी वजह हो सकती है। इसे सुनिश्चित कर सकते हैं पत्तियों को पीछे की तरफ से देख के, ये भूरे रंग के रुद्राक्ष माला जैसा दिखाई देगा। इससे मालूम हो जाता है कि गन्ने में लाल सड़न रोग हो चुका है। इसे और सुनिश्चित करने के लिए गन्ने को फाड़ कर देखें, तब इसमें सफेद और लाल दोनों रंग के धब्बे दिखाई देंगे और सिरके की बदबू आएगी। अच्छा, तभी मेरे सारे गन्ने सूख गए हैं। हाँ, ये बड़ा ही खतरनाक रोग है। परंतु ये हुआ कैसे? ये रोग ग्रसित गन्ने को बीज में इस्तेमाल करने से, बीज और भूमि को फफूंदी नाशक दवाई अथवा ट्राइकोडर्मा से शोधन ना करने से होता है। और रोग ग्रसित खेत से अगर पानी बहकर स्वस्थ खेत में पहुंच जाए तो स्वस्थ गन्ने भी रोग ग्रस्त हो जाते हैं। इस रोग के लक्षण जून माह में दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसको प्रारंभिक संक्रमण कहते हैं, और बरसात के दिनों में द्वितीयक संक्रमण होता है, जिससे पूरा खेत ही सूख जाता है। ये ठीक कहा तुमने, अब इसे नियंत्रण में लाने के लिए कोई तरकीब बताओ। सबसे पहले रोग ग्रसित गन्ने के थान को उखाड़ देना चाहिए और चलाकर नष्ट कर देना चाहिए। उखाड़े गए स्थान की मिट्टी में 10 से 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह ढक के और शेष स्वस्थ गन्ने के थानों पर थियोफेनेट मिथाइल नाम की दवा का स्प्रे करें, ताकि रोग और ना फैले। और फंगस को नियंत्रित करने के लिए मिट्टी का उपचार करना भी जरूरी है। इसके लिए जमीन में ट्राइकोडर्मा हेजेनियम नाम का एक एंटी फंगल बायोएजेंट डालेंगे। अगर किसी खेत में लाल सड़न रोग के लक्षण मिलते हैं तो उस खेत की मेड़बंदी करना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये रोग अन्य स्वस्थ खेतों में ना फैल पाए। हाँ हाँ, मैं जल्दी ही तुम्हारी कही हुई बातों का पालन करूंगा, तभी मेरे खेत बच पाएंगे। जी, जल्दी करें। लाल सड़न रोग को ठीक तरह से पहचानना और उसका नियंत्रण करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये हमें बाकी किसानों को भी बताना चाहिए, ताकि उनकी फसल भी इस बीमारी से सुरक्षित रहेगी।